कर्नाटक हैवी रेनफॉल का अलर्ट आया हुआ है। आज हमारी राइड का डे 5 है और आज तारीख है 8। कल हम गए थे वाघा बॉर्डर, अभी अराउंड 9 बजे हम लोग उठे और अभी हम नहा धो के तैयार है। बट सबसे बड़ी अब दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे बाहर हो रही है बारिश, तो अब हम लोगों को लगता है कि रेनकोट पहन के ही अब आगे जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर भी हम 12 बजे तक का वेट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे आगे डेस्टिनेशन जहाँ हम जा रहे हैं वो यहाँ से अराउंड 210 किलोमीटर दूर है, धर्मशाला या मैक्लोडगंज, दोनों में से हम कहाँ स्टे करते हैं वो हम वहाँ पहुँच के डिसाइड करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे भी है और मोस्टली जो ढंग की जगह हमने सब ट्राई करा सबकी सब बुक आ रही है। अभी बज गए हैं सुबह के 10:05। मैं नहा धो के तैयार हूँ, नेहा मैडम रेडी हो रहे हैं और जितने मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं कुछ आने वाले व्लॉग्स हैं उनकी एडिटिंग कर लूँ ताकि आपको ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग्स मिलते रहें। हम लोग एकदम रेडी है और सेट है आगे राइड के लिए। हम लोगों ने आज रेन लाइनर्स पहन रखे हैं, पैंट्स तो हम दोनों की बाहर ही पहनने की, और इसका जो रेन लाइनर है वो जैकेट के अंदर है और मेरा ये वाला है जो मैं पहनूंगा इस जैकेट के ऊपर। और मैंने गोप्रो का भी अच्छा जुगाड़ किया ताकि कुछ क्लिप्स वगैरह हो तो मिस नहीं हो आप लोगों के लिए, तो जुगाड़ देखते हैं काम करता कि नहीं करता, बट हाँ ठीक है। एक बार के लिए मैंने ये जिप टाई ले ली, सही करा उससे, ये प्लास्टिक पॉलीथिन जो नेहा ने ले ली थी बहुत अच्छा करा इसने लेके, तो इसको ऐसे कुछ जुगाड़ करके बांधा है। आई होप कि ये जुगाड़ काम करे और मेरा गोप्रो सही सलामत जिंदा रहे, क्योंकि अगर वो बैठ गया तो मैं बैठ जाऊंगा ट्रिप के अंदर, मोटा खर्चा हो जाएगा एक और, इसलिए तो इसी के साथ अब निकलते हैं हम, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, दोपहर के 1 बज चुके हैं और यहाँ से जाना है हमको धर्मशाला, और आने वाले 5 दिन की प्रेडिक्शन है कि बारिश होने वाली है। ऐसा कुछ जुगाड़ सा किया है, अब क्वालिटी थोड़ी सी खराब है क्योंकि आगे के प्लास्टिक लगा हुआ है। बाइक ऑल सेट है, हम लोग भी सेट है, चलो बाय। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:41। हमारी जो लोकेशन है धर्मशाला रखी हमने, बट देखते हैं रास्ते में कहीं अगर लगा के रुकने की जरूरत है तो रुक जाएंगे। थोड़ा सा वाइजर ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि फॉग सा हो गया है। जुगाड़ से फिलहाल तो गोप्रो चल रहा है बट मुझे कोई आइडिया नहीं कि आवाज कैसी रिकॉर्ड हो रही है क्या नहीं। हम लोग सिटी से बाहर तो आ गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम सिटी के बाहर आ रहे हैं और हमारी मंजिल की साइड जा रहे हैं वहां पे बारिश और बढ़ती जा रही है। ये एंगल थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि अगर आपने मेरा सेकंड ब्लॉग देखा होगा मैंने बताया था कि कैसे ये जो वाइजर हेलमेट का मेरे बीच में आ जाता है जब मैं उसको ऊपर करना चाहता हूँ, तो आज क्या है कि बारिश हो रही है इतनी भयंकर, तो इस वजह से मैंने कैमरा थोड़ा आगे ही माउंट किया ताकि वाइजर कभी ऊपर नीचे करना पड़े, फॉग अंदर जम जाए तो वाइजर ऊपर करना पड़ता है ताकि वो क्लियर दिखने लग जाए, तो इसलिए कैमरे का एंगल थोड़ा नीचे रखा है मैंने। और अभी तक हमने सिर्फ 14.8 किलोमीटर कवर करे हैं और ये जो हाईवे स्ट्रेट 45 किलोमीटर है पठानकोट के लिए, और आप देख सकते हो मौसम कितना ही खतरनाक हो रखा है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, धुंध वगैरह एकदम फुल ऑन है और हम लोग जितना हो सके उतनी कम स्पीड में चल रहे हैं धीरे धीरे। बस टारगेट ये है कि शाम को जब तक अंधेरा नहीं होता तो जहाँ पहुंच जाए ठीक है, और अगर अंधेरा हो गया तो हम लोग वहीं पर ही रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। बारिश के साथ साथ हवाएं भी बहुत जोरों की आ रही है, बार बार बाइक एकदम इधर 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 कर रही है, बट फिर भी हम चल रहे हैं। अभी ऊपर एक साइन बोर्ड आया था उसमें लिखा था पठानकोट 105 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो हमारा जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लान ये है कि जहाँ तक अंधेरा नहीं होगा वहाँ तक चलेंगे। अब पठानकोट तक हम जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है पहाड़ों पर, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा बारिश है तो फिर पहाड़ों पर रिस्क लेके जाने का मतलब नहीं है, ये हाईवे पर तो चला ले कोई इशू नहीं है। 30 किलोमीटर चलने के बाद है कि ड्राइव थ्रू टाइप आया है, थोड़ी बाइक सही से खड़ी करूं यार नहीं यार फिर मैं उतारूं देखो नीचे। यहाँ पे अब हम ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है कि सोच रहे हैं थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं आगे। पानी लगानी पड़ेगी। हाँ किस पे मांगते हैं यहाँ पे, देख बारिश बड़े जोर चल रही है बाहर, ये हम यहाँ पे, और ये हमारे नेहा जी, कैसा लग रहा है आपको इस बारिश के अंदर चलते हुए? सही में अच्छा लग रहा है या फिर ऐसे कैमरे के सामने? भीग रहे हैं बट ठीक है। क्या जूतों में तो पानी आ गया ना आपके? शायद नॉर्मल है, मैं तो मैप चेक कर रही हूं। अच्छा डेस्टिनेशन, ये हम लोगों ने कॉफी ऑर्डर करी थी क्योंकि ठंड लगने लगी थी इसलिए ये यहाँ से धर्मशाला का 3 घंटे का रास्ता है।
इसके हिसाब से। और बेसिकली रास्ता है 3 घंटे 58 मिनट। ये क्या बोलती, पीछे वाले मिनट मत गिनो, खाली आगे वाले आवर देखो। पठानकोट तो पास में है, पठानकोट से आगे धर्मशाला जाने में 2 घंटे लग रहे, पठानकोट 2 घंटे पहुँच जाएंगे यहाँ से। पठानकोट तो कुछ है घूमने लायक, ऐसे ही घूमने लायक तो कुछ नहीं, पठानकोट तो पूरा हाईवे यहाँ से बस। बट कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो रहा है ना कि बारिश के अंदर भी आप कैसे घूम सकते हो। बारिश बंद हो गई तो जरूर चलती है। वैसे बाहर के मौसम को देख के लगता नहीं कि बारिश कम होगी। तो खाते खाना ऑर्डर करो इस बारिश में, चलो खुद तो पेट खेल लो। छोले भटूरे खाए थोड़ा, 4 भटूरे आए थे उसमें से इस ट्रिप के अंदर। ये पहली बार कुछ हेल्दी खा रही है। ये जो बर्गर है ये होल व्हीट ब्रेड वाला है, जो सबसे हेल्दी चीज है, इसने इस ट्रिप पे खाई है अभी तक। और बाहर बड़े जोरों की बारिश हो रही है। एक छोटा सा आप कह सकते हो लंच कर लिया है और कॉफी पी ली है ताकि बैठ ही रहा हूँ, तू बैठ जा आराम से। अच्छा गाड़ी डिग रही है क्या? अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:20 और पठानकोट यहाँ से कितने घंटे का रास्ता है निया? 1 घंटे का रास्ता है पठानकोट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये माइक लगा हुआ है, मुझे नहीं पता वो सूखा है कि गीला है। क्या आ रही है? तो वो तो भाप रहेगी जब तक अपन बैठे रहेंगे, तब तक गाड़ी चलते भाप चली जाएगी। अभी तो कवर कर लिए हैं वही 31 किलोमीटर एंड अराउंड 95 किलोमीटर्स मोर टू गो। बारिश एक बार हो चुकी है कम, बट हाई अलर्ट दिया हुआ है कि 9 तारीख के सुबह 3 बजे तक हैवी रेनफॉल का अलर्ट आया हुआ है। गुरदासपुर तक पहुंच गए हम, यहां से पठानकोट अभी भी अराउंड 43 किलोमीटर दूर है। और अगर हम धर्मशाला का अगर डालते हैं तो धर्मशाला तकरीबन 3 घंटे का रास्ता भी और बाकी है। बाकी तो भैया ये पता नहीं कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अब जब एडिटिंग करेंगे तभी पता चलेगा आखिर माइक चल रहा है कि नहीं और रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। वरिष्ठा का साइनबोर्ड दिख गया तो मैंने थोड़ी कॉफी वॉफी पी लेते हैं, कॉफी की बहुत जरूरत है, ठंड लगने लगी है। और निया जी क्या हाल? नेहा ने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि ऐसी भी कभी राइड वो करेगी जहाँ पे फुल बारिश के अंदर। एक मतलब जब से निकले तब से बारिश में ही चल रहे अपन। और मेरी राइड की स्किल कैसी है ये बता। अच्छी चला लेता हूँ, काम धाम कुछ नहीं, पीछे बैठे हुए बैठे रहना और फिर बोल के गाड़ी ओह। और ये भी हमारी गाड़ी खड़ी, वो मैकडॉनल्ड्स वालों ने जो दिया था हमें गार्बेज बैग, अभी तक तो सही सलामत चल रहा है, अब पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं। ऐसा कुछ गोप्रो का सेटअप दिख रहा है, बारिश अभी भी हो रही है बट हल्की फुल्की हो रही है, तो आगे हम निकलते हैं। और नेहा पूरी भीग गई बारिश में। नेहा कह रही रेन लाइनर का फायदा क्या है, रेन लाइनर पहनने के बाद भी पूरी की पूरी भीग गई है तो नाली पानी से। अभी जस्ट मैंने चेक करा जो मेरा गोप्रो का माइक है, फिलहाल तो चल रहा है, अब ये नहीं पता ये कब तक चलेगा बट फिलहाल ये चल रहा है माइक मेरा। तो आगे से अगर राइट लेंगे तो हम पठानकोट आ जाएगा, बट हम पठानकोट नहीं रुक रहे, हम आगे जाए धर्मशाला की तरफ। पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके हिमाचल प्रदेश में अब एंटर हो चुके हैं। रात के 10:12 हो रहे हैं और पूरा आप देख सकते हो आज अमृतसर से ये मैकलोडगंज फुल बारिश में गाड़ी चलाई है अराउंड 224 किलोमीटर। अब जाके होटल में चेक इन करते हैं और कल आपसे मिलते हैं।